नमस्कार दोस्तों, आईफोन रिव्यू के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आइए आंसर करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र गायकवाड़। महेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर, अच्छा एमपी से आए हैं जी। तो सर पहले आप इस फील्ड में थे रिपेयरिंग के? जी हाँ, मैं पहले से ही कर रहा हूँ इसका काम। आईसी का सब कर रहे थे? नहीं सर, चिप लेवल पे तो नहीं कर रहा था। चिप लेवल देखो, दो तरह के लेवल, एक होता है चार्जिंग कनेक्टर उतारना लगाना, एक होता है आईसी उतार के लगाना। दोनों में फर्क है। वो कनेक्टर बस उतारना लगा। तो आप आईसी का काम नहीं कर रहे थे? नहीं कर। तो फ्रेशर थे आप, मैं ये कहना चाहूँ। जी हाँ, ये भी समझ सकते। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से पहले किसी इंस्टीट्यूट में गए थे? हाँ सर, मैं कहाँ गए थे? मैं दिल्ली में गया था सर। दिल्ली में कहाँ गए थे? दिल्ली में एके इन्फो। अच्छा, एके इन्फो में गए थे, किस लिए सर? वहाँ ये ट्रेनिंग सर, वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। नहीं सर, और भावना मैडम कहते हैं कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारा, तो मैंने वीडियो देखी थी। वो सर उनका वीडियो देख के लगता है बहुत बड़ा है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आएगी। सच्चाई है सर, वो इतने सारे लोगों को ट्रेन करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, 138 लोगों की टीम है उनके पास। नहीं सर, वो सब फेक है। फेक है सब, फेक। क्यों सर, डेमो क्लास भी देते हैं वो? तो कह रहे हैं आपको वहाँ जाके पता चलेगा। नहीं, डेमो क्लास देते हैं सर, वो डेमो फ्री में देते हैं। नो नो सर, डेमो क्लास फ्री में नहीं है। नहीं, कुछ नहीं सर। क्यों? वो कहते वैसे हैं, पर वहाँ आप जाओगे तो दूसरी चीजें आपको देखने में। कैसे की यार देखने को मिला आपको? कोई डेमो नहीं मिलेगा, डेमो क्लास नहीं मिलती। नहीं सर, वहाँ क्लास में ऐसा जैसा यहाँ का माहौल ऐसा रहता ही नहीं है। नहीं रहता वहाँ, तो लैब भी नहीं मेरे को लगता है। लैब तो है सर, वीडियो में मैंने देखी, लैब तो है। ठीक है, पर आपने कुछ क्या सीखा आपने? मुझे पता चला कि मोबाइल रिपेयरिंग करने का तरीका सही क्या है। सही क्या है? अभी तक हम अंधेरे में चल रहे थे। हाँ। अब हमें एक रास्ता दिखाया गया है, एक दीपक दिया मिला गया, जिससे अब हम उस सही लाइन पे आए हैं। जो बाहरी ताकतें आ रही हैं हमारे देश में सिखाने के लिए, अभी फिर आ रही है, तो लगता है कि उनकी जरूरत है। हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या? नहीं नहीं सर, मेरा सवाल है, क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या? नहीं सर, हमारे कल्पना चावला जब नासा में, मतलब ऊपर नासा में जाके सेट क्या कहते हैं, कहाँ गई थी वो? ऊपर चांद पे, चांद पर जा सकते हैं कल्पना चावला। जब हमारे देश में इतने बड़े टैलेंटेड हैं, तो हमें लगता है कि हमें बाहर से आना चाहिए किसी को पढ़ाने के लिए। क्या वो समझाएंगे सर? यहाँ पर समझने में दिक्कत आती है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चाहोगे ऐसे मतलब, अगर अभी ट्रांसलेट करके मैं समझाता चाइनीज से इंग्लिश में या हिंदी में कि चिगा वन टू सान फाइव चिगा ता खुम शादा खुम, तो फिर वो कहता है कि ये इसका जो टेम्परेचर है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करके समझाता, तो कैसा लगता आपको? सर जो सर यहाँ है, उनके समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, एकदम वो फ्रेंडली हैं, और जब वो सब बताते हैं तो हमें समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती। एक तो यहाँ पे तेलुगु के स्टूडेंट भी हैं, तो वो उनको अलग से समझाते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं और हिंदी में, हिंदी में। तो हम लोगों को तीन बार ये चीज समझने को आ जाती है, एक ही आइटम को तीन बार समझते हैं, इंग्लिश हिंदी तेलुगु में। यदि इंग्लिश मिस हो गई तो हम हिंदी में तो समझ ही लेंगे, हिंदी समझेगा तो तेलुगु का तो अब समझ में आने लगा है इतने दिनों। तो जो हमारे टीचर्स है वो एक्सपीरियंस है, उनको काम आता कि नहीं आता? अनट्रेन तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो जो यहाँ के श्रीनिवास सर हैं वो बेस्ट हैं। सारे क्योंकि उनके जैसे थ्योरी तो मैंने सुनी ही नहीं किसी थ्योरी, और ये हमारे नरेश सर का हार्ड स्किल्स हैंड स्किल्स बहुत बढ़िया है। ये क्या है, लाइव डेमो देते हैं हम लोग को। अच्छा, लाइव डेमो देते हैं, चालू बोर्ड पे प्रॉब्लम बताते हैं, हाँ। करते हैं और वो 100% फाइंड आउट होती है, 100% फाइंड आउट होती है। तो आप अपने शहर में जाके इतनी दूर से तो काम करेंगे? अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेंगे सर। बहुत उम्मीद है हमें आपसे कि आप बेस्ट काम करें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ जी सर नमस्कार, कहाँ से आप? बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप? अच्छा अच्छा, बड़ी दूर से आए हैं। हाँ सर, बिल्कुल ज्ञान चाहिए था इसलिए। तो ज्ञान चाहिए, तो आप पहले कहीं गए थे इससे पहले? कहीं नहीं सर, मैं पहले कहीं गया नहीं था। पता किया था आपने? नहीं पता सर, मेरा ये था कि बाबा का नाम मैंने पहले सुना हुआ था, मैंने पहले भी डील की है बहुत बार। अच्छा, तो भरोसा था उस नाम के पीछे। नहीं सर, हमारा जो नाम लोग मिसयूज भी करते हैं कुछ लोग, वो मुझे पता चला था कि कुछ लोग हमारा नाम यूज करके अपने इंस्टीट्यूट के आगे लगा लेते हैं, उनका अपना नाम तो है नहीं, पिताजी का भी नाम नहीं है, तभी वो हमारा नाम यूज करते हैं। उसके लिए मैंने एक काम किया था कि मैंने सीधा आपकी वेबसाइट पे जो नंबर दिए जाते सीधे रास्ते पहुंचा। ठीक है, कहीं इधर उधर मिसगाइड होने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको यहाँ पर जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद आपकी पूरी हुई? बिल्कुल, आप सेटिस्फाइड है? तो आप क्या कर रहे थे अभी? अभी सीपीयू रिबॉल्व कर रहा था। सीपीयू रिबॉल्व कर रहे थे? अच्छा, ये चालू बोर्ड का सीपीयू है। चालू बोर्ड का आपने अभी उतारा है? हाँ सर, अभी उतारा था, उसी को बना रहा तो था। तो आप पहले भी उतार लेते थे ऐसे? नहीं, ये मैंने किया है ये काम अलग ही, लेकिन आज से 8-10 साल पहले किया था, अभी उसके बाद छोड़ दिया था, अभी फिर नए सिरे से चालू कर दो, एक तरह का प्रेशर। तो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपको लगा कुछ सीखे जाऊंगा? 100% सर, ये जो काम अभी मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा था 10 साल पहले, तो इस लेवल में पहुंचने मुझे 3 महीने लगे थे, यहाँ 9 दिन अब पहुंच गया हूँ। 3 महीने लग गए थे? तो आपको लगता है जो इंस्टीट्यूट 4 महीने 5 महीने कहते हैं वो टाइम खराब है?
अपना टाइम पास करवाते हैं या बच्चों को काम सिखाते हैं? वो टाइम पास कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं। और ये हमारे यहाँ जो क्लास कितने घंटे की होती है? करीब 8 से 10 घंटे की अभी तक हो रही थी, जो कि अब हमने टाइमिंग बढ़ा दिया है क्योंकि हमें यहाँ पे और तो कुछ काम है नहीं। हम जिस काम के लिए मकसद से आए हैं वही काम करना है, तो अब लगभग 11 घंटे की हमारी क्लास चलती है। 11 घंटे हमारे टीचर्स आपको कंटिन्यूअसली सपोर्ट और टाइम देते हैं, पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल समझ आ रहा है? हाँ 100%। और हमारे जो टीचर्स हैं इतने फ्रेंडली हैं कि उनसे अगर हम उसी चीज को अगर 8 बार भी पूछते हैं तो वो कभी हिचकते नहीं है बताने के लिए। दोस्तों जो हमारी वीडियोस हैं, हम लोग कटिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, जो रिव्यूज हैं ये ऐसे ही हैं, और ये लोग भी इन्हीं वीडियोस को देख के आए थे और आप लोग भी इनकी वीडियोस देख के आगे आएंगे। कुछ भी यहाँ कटिंग नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता किसी को बुला के या बनाई जाए या किसी को खुश किया जाए। हम लोग अपने काम पे हमें भरोसा है, हम अपना काम ज्ञान पे भरोसा है, जो ज्ञान देते हैं वही इनको पढ़ाते हैं और वही ये करके जा रहे हैं। और ये हम नहीं बोल रहे, ये इनका एक्साइटमेंट बोल रही है जो इन्होंने सीखा है। बिल्कुल कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, बिल्कुल भी दबाव तो नहीं था ना, कोई दबाव नहीं है सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इंडिया में टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जिससे हमारा समय बचा, हम अपग्रेड हुए। नहीं अपग्रेड भी हो रहा है, समय बहुत जरूरी है, समय बहुत जरूरी है सर। मैं जिस जगह से आया हूँ, मेरी दुकान का किराया 1 लाख रुपए महीना है, उसको छोड़ करके यहाँ। कहाँ पर आपकी दुकान? बिलासपुर। अच्छा बिलासपुर, 1 लाख रुपए किराया, बिलासपुर में इतना किराया है? हाँ सर मार्केट में, मेन मार्केट में इतना किराया है। ठीक है, जाके वो 1 लाख पूरे हो जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी सर, नमस्कार सर, कहाँ से आप? लोकल है सर। अच्छा लोकल है, तेलुगु। तेलुगु चप्पन సరే ఇంతమంది నాకు ఇక్కడ వచ్చినాకనే నేను సెట్ అయ్యాము, టీపీ కూడా తీయడం కానీ బౌలింగ్ చేయడం కానీ నాకు రాదు, ఇక్కడ వచ్చినాకనే చోటనే నాకు 4 డేస్లో వచ్చింది. ఓకే, టీచింగ్ ఎలా ఉంది మీకు ఇక్కడ? టీచింగ్ ఇక్కడ బాగుంది. ఎలా చెప్తున్నారు టీచింగ్? మీకు ఏమైనా ఇష్యూ ఇందులో చెప్తున్నాం కానీ తెలుగులో కూడా, మళ్ళీ అడిగినా కూడా తెలుగులో చెప్తున్నారు. ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా ఏమున్నా అది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నారు? సాటిస్ఫైడ్? సాటిస్ఫైడ్, 100% సాటిస్ఫైడ్. 100%. డిడ్ యు లర్న్ సంథింగ్? లర్న్ సెమాటిక్స్ అనేది కూడా నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు. సెమాటిక్స్ లర్న్, సెమాటిక్స్ ఇస్ యూస్ఫుల్. యూస్ఫుల్ సార్, యూస్ఫుల్. ఓకే, దానివల్ల ఏంటంటే మొబైల్ అనే కంపోనెంట్స్ అనేది కూడా ఏదనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. పార్ట్ 4.